हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द लाइट, दैट इज योर चैप्टर नंबर 10 इन क्लास 10th। ओके, इस सेशन में हम बहुत सी बेसिक बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन वी विल गो इन द डिटेल। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लाइट एंड व्हाई कैन एबल टू सी द थिंग्स। ओके, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। ओके, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर पड़ती है, ओके, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। दिस इज अवर सन, यहाँ से एक लाइट आई, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो कि हमारी आंखों पर जाती है, फिर ब्रेन उस सिग्नल्स को प्रोसेस करता है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। ओके, सपोज इन ए डार्क रूम थिंग्स आर देयर, डार्क रूम में भी चीजें हैं, बट वी कांट एबल टू सी द थिंग्स। व्हाई? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। जैसे आप बल्ब को टर्न ऑन करते हो, जैसे वहां पे लाइट आती है तो हम चीजें हमें दिखने लगती हैं। सो ड्यू टू लाइट वी कैन एबल टू सी द थिंग्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, इसको समझते हैं। वॉट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी एक मीडियम में, ओके, ये आपकी लाइट है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर रेस ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ती और उसके बाद सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इंसिडेंट लाइट, ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इन सारी चीजों को हम समझते डिटेल में विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। फर्स्ट इज व्हाट इज इंसिडेंट रेज। ओके, दिस इज अवर प्लेन मिरर। ओके, सो एट दिस मिरर, सपोज दिस इज अवर सन। ओके, यहाँ से ये हमारा सोर्स है, लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, मेनली हम लोग सन ही कंसिडर करते हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। सो यहाँ से रेज आ रही है एट दिस पॉइंट, लेट टॉक अबाउट दिस पॉइंट इज ओ। यहाँ पे जो हमारी लाइट आई, ओके, जो हमारी रेज आती हैं रैदर, तो उस रेज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज। जो किसी ऑब्जेक्ट पर रेस पड़ती हैं, डेट इज कॉल्ड योर इंसिडेंट रेस। ओके, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन एट पॉइंट ओ, जो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, डेट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्टेड रेस। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रेस हम आपको दिखा रहे हैं और एक ही इंसिडेंट रे है और वन ही रिफ्लेक्टेड रे है। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस आर देयर। ओके, बट ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने केवल एक रे कंसीडर किया हुआ है। ओके, सो आई थिंक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज ये आपको समझ में आ गया है। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, इस सरफेस पे ये हमारा नॉर्मल है, राइट? सो इससे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारी इंसिडेंट रेज, ओके, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज योर आई। दैट इज योर आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज आर। आर इज सेड टू बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इट इज? इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रेज। जो नॉर्मल, दिस इज अवर नॉर्मल एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रेज, उसके बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कुछ हमारे लॉ होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट डिफरेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर मेनली टू लॉ। फर्स्ट इज दिस आई एंड आर बोथ आर इक्वल। ओके, और इसको अच्छे से लैंग्वेज में बात करें, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, राइट? सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल,
ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. ओके सपोज दिस वन इज अ प्लेन राइट. सो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू दिस. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर. ओके स्पेरकर मिरर और कर मिरर. ओके मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरकर और कर्व इज नोन एज स्पेरकर मिरर और कर्व मिरर राइट. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कर्व मिरर आर देयर. फर्स्ट वन इज कॉनकेव एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स. बहुत ही आराम से समझते हैं इन दोनों को क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है. तो आज इसको एकदम अच्छे से समझ लें सो डैट इन लाइफ वी नेवर नेवर हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द विच वन इज कॉन्वेक्स एंड विच वन इज कॉनकेव. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर. ओके इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. ओके स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. फर्स्ट वन इज कॉनकेव सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स. कॉनकेव मिरर कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है इसको समझते हैं. जो हमारा कॉनकेव मिरर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. फर्स्ट पॉइंट. अब देखो कोई भी मिरर आपके पास हो आपको ये देखना है कि उसका सेंटर किधर लाई करेगा. जैसे हमारा ये मिरर है तो हमारा सेंटर किस तरफ होगा? सेंटर हमारा ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट पे कहीं पे होगा. ओके सपोज ये एक हमारा सर्कल है ये सरफेस है आपको केवल इतना सरफेस दिया जाए तो आपका सेंटर कहाँ होगा? इस तरफ होगा राइट. सो इन द सेम वे जो भी हमारा कॉनकेव मिरर होगा उसका जो सेंटर होगा डेट इज फेसेस फेस टूवर्ड्स द सेंटर. ओके जो भी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जैसे यहाँ से जो रेज आ रही है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है ये है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा सेंटर की तरफ होगा. ओके सपोज दिस में भी दिस सेंटर लेट ये तो हमारा फोकस है सपोज ये हमारा सेंटर है तो जो भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ओके वो हमेशा सेंटर की तरफ लाई करेगा. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ओके दैट इज कर्व इनवर्ड. ओके अगर जो कॉनकेव मिरर की बात करें तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो कर्व है वो इनवर्ड है अंदर की तरफ कर्व है. दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट. सो तब हम वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर राइट. फर्स्ट टू पॉइंट. ओके पहला पॉइंट क्या है कि हमको ये देखना है कि जैसे ये हमारा सरफेस है सपोज ये एक मिरर है मैंने दे दिया अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर किधर होगा. ऑब्वियसली इसका सेंटर समवेयर कहीं ये पे होगा तो इसका सेंटर अंदर की तरफ है दैट मीन्स ये जो अब हमारा देखना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है. यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है. ओके सो हमने पता कर लिया 100% दिस वन इज कॉनकेव मिरर राइट. सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वॉट एवर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको देखना है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है. दिस वन इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व इनवर्ड. ओके अंदर की तरफ ये कर्व है. सो दीज टू पॉइंट्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच मिरर इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. ओके सो दिस इज अबाउट द कॉनकेव मिरर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर. इसके जो भी हमने डिस्कस किया है जस्ट उसका अपोजिट. ओके ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस वन इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब बात करना है इस सरफेस इस जो भी ये हमें नहीं पता है कि कौन सा मिरर है इस मिरर का सेंटर किधर होगा. ऑब्वियसली यहाँ का ही लाई करेगा. तो जब हमारा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर लाई करता है सेंटर सो वी कैन से दैट दिस मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर राइट. अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर अगर जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होता
तो हम बात करते कि हमारा कॉनकेव मिरर है, लेकिन हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सेंटर जस्ट अपोजिट है, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा. ओके, सो दैट मीन्स दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग. ओके, ये आपकी राइट रे आई रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मीडियम में गए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, दैट मीन्स दिस मिरर इज डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर, राइट. और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्स होती है. एंड द कॉनकेव मिरर इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इज कन्वर्जिंग मिरर. जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में वो कॉनकेव मिरर ना रख करके सिंपल सिंपल कन्वर्जिंग मिरर लिखता है. सो दैट मीन्स हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है. सो लाइफ में अब आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा विच वन इज कॉनकेव एंड विच वन इज कॉन्वेक्स, फाइन. नाउ सम लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. ओके, दीज टर्म्स आर वेरी बेसिक टर्म्स. ओके, सो लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल. आई हैव चूजन द कॉनकेव मिरर, राइट. सो इन दिस मिरर सपोज दिस इज पॉइंट एम एंड दिस वन इज पॉइंट एन. ओके, दिस इज योर सेंटर पॉइंट पी, दिस इज योर पोल. जो भी हमारा मिरर का सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल. ओके, नेक्स्ट वन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सेस. जो भी हमारा कॉनकेव मिरर है, किसी भी मिरर से जो भी रेज, जो भी एक्सेस प्रिंसिपल से पास होती है, सॉरी, जो भी रेज पोल से पास होती है, ओके, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज, दिस इज योर सेंटर. ओके, व्हाट इज सेंटर, जैसे कि स्फीयर का मिरर है डेट इज इसका कोई सेंटर होगा. ओके, सपोज दिस वन इज सर्किल, इसका ये सेंटर है, इसी को कट करके हमारे मिरर बनते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव. सो ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑब्वियसली इस तरफ. सेंटर इज नॉट पार्ट ऑफ द मिरर, सेंटर भी कभी मिरर का पार्ट नहीं होगा. ओके, वो हमेशा बाहर लाई करेगा. दिस इज अवर कॉनकेव मिरर, सेंटर हमेशा बाहर लाई करेगा. सो जो भी एक्सेस पोल और सेंटर से स्ट्रेट जाती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल दैट इज सी पी. ओके, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट वन इज फोकस. ओके, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जितने भी पैरेलल रेज एक्सेस से आती हैं फोकस से पास करती हैं. इस चीज को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. पासेस थ्रू द फोकस. ओके, दैट पास, दैट पॉइंट इज योर फोकस. नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज फोकल लेंथ. सो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एफ एंड द पोल पी इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ. सो एफ इज इक्वल टू व्हाट इज द फोकल लेंथ हियर, एफ पी, दिस इज योर फोकल लेंथ, राइट. सो दीज आर द टर्म. वन मोर थिंग्स, what is mn? mn, this mn is said to be the diameter of this mirror, this is called aperture. Okay, so these are the some important terms. So that's all for this session. We will talk only the basic things. In the next session we will talk about the detail about the concave mirror. Okay, so thank you everyone, thank you so much.